हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये जो अभी आपने भिंडी देखी है, कुरकुरी सी यमी सी, इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखो आपको भिंडी को कर लेना है इस तरीके से कट। एक भिंडी को कम से कम चार पार्ट में कर लेना है डिवाइड। ये जैसे जो भी काट रहा है ऐसे काट लेनी है आपको। ओके, ध्यान रखना कि भिंडी पकी हुई कम हो। हमारी भिंडी थोड़ी पकी हुई निकल रही थी तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है टेस्ट पे, पर हमें तो बनानी तो थी, अब शुरुआत कर चुके थे। फिर उसके बाद लेनी है आपको दो से तीन, जितने भी चाहो उतनी हरी मिर्च। उसके बाद मैंने लिया ये राई, और फिर मैं लूँगी थोड़ा सा ज़ीरा। आप लहसुन भी डाल सकते हो, मुझे प्रेगनेंसी की वजह से उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, स्मेल अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं नहीं डालती। इनको अच्छे से हमें कूट लेना है। ओके, अब हम यहाँ पे काट लेते हैं दो प्याज, जो कि इनफ है। कम भी कर सकते हो आप, बट ज़्यादा मत करना क्योंकि टेस्ट अलग हो जाएगा ज़्यादा प्याज लोगे तो आप लोग। उसके बाद लेते हैं कटी हुई भिंडियों को, और अब इसमें हम डालते हैं बेसन। समथिंग दो स्पून डाल रही हूँ मैं, भिंडी बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए। तो आप भी देख लेना अपने हिसाब से, जितनी भिंडी हो उतना डालना, बहुत ओवर मत करना, ठीक है। फिर उसके बाद जो अभी मैंने इधर मसाला कूटा था थोड़ा सा, उसको ऐड कर देते हैं इसमें। और हाँ, आप थोड़ी इसमें वो डाल लेना, क्या बोलते हैं, हल्दी, ठीक है। और उसके बाद लेना है हमें थोड़ा सा ऑयल, उसको करना है स्प्रे। ऑयल हेल्प करेगा इसे मिक्स करने के लिए अच्छे से। ये मैंने जीरा डाला है भुना हुआ, और ये आ गया नमक। अब सारे मसाले डाल दिए मैंने, अब लास्ट में बारी है ऑयल की। तो अब धीरे धीरे करके डालना, जिससे पता चलता रहे। एकदम से बहुत ज़्यादा डाल दोगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो मिक्स करके देख लेना, मिक्स हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं हो रही तो थोड़ा सा और डाल लेना, इसलिए धीरे धीरे डाल रही हूँ मैं अभी। देखो अभी मिक्स नहीं हुई है अच्छे से मसाला, तो डाल दूँगी थोड़ा। ओके, अब कुछ हो गई है तो अब एक बर्तन इसको कवर कर लेंगे बाउल को, और उसकी हेल्प से हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे मैं कर रही हूँ इसे अच्छे से मिक्स हो जाती है। ही हो गई, देखो अच्छे से। अब हमें लेनी है कढ़ाई, उसमें डालना है थोड़ा सा तेल, और अब इनको हमें कर लेना है फ्राई। ओके, थोड़ी सी कमी रहने देना, बिल्कुल फ्राई मत करना। एटी परसेंट कर लेना, ठीक है।
आप चाहो तो आप इनको ऐसे भी पका के खा सकते हो, क्योंकि सारे मसाले वगैरह तो हम डाल ही चुके हैं, ओनली प्याज की कमी बची हुई है। तो काफ़ी लोग तो ऐसे भी बनाते हैं कि एक टाइम पे ही फ्राई कर देते हैं, पर क्योंकि मैंने प्याज काट ली तो मैं अभी इनको यहाँ पे फ्राई करके एक बार और फ्राई करूँगी, उससे थोड़ा और अच्छा टेस्ट आएगा और थोड़ी उससे कुरकुरी बन जाएगी। अगर हम वन टाइम फ्राई करते हैं तो कुरकुरी कम बनती है। फिर इनको लेंगे हम निकाल, तो ये देखो अभी भी बहुत टेस्टी लग रही थी, मैंने खा के देखी थी एक उठाकर, कितनी प्यारी लग रही है दिखने में भी। फिर दोबारा तैयारी कर देंगे, ये जीरा डाल दिया और प्याज डाल दी। ऑयल गर्म होने के बाद प्याज को थोड़ा ब्राउन होने देते हैं, उसके बाद नंबर आ जाएगा भिंडियों का। समथिंग समथिंग पक चुकी है, तो अब कर लेते हैं हम इनमें भिंडी ऐड। ओके, तो हो चुकी है अब ऐड। अब इनको करो अच्छे से मिक्स, और कुछ टाइम के लिए इन्हें देंगे पकने। ध्यान रखना आप इनको कवर करके मत रखना। ओके, ये थोड़ी सी हल्दी मैंने इसलिए डाल दी है, नमक जो प्याज हमने डाली थी उन पर थोड़ा सा कलर आ जाए। ये होता है जब कुछ हम न्यू बनाते हैं तो बर्तन काफ़ी हो जाते हैं। तो ये देखो लास्ट लुक बहुत टेस्टी बनी थी, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। देखो ठीक है, अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों। Bye bye bye.